दोस्तों, टैली प्राइम या टैली ERP9 में जब भी एक अकाउंटेंट वर्क करता है, अकाउंटिंग करता है, और जब सेल इनवॉइस का वो प्रिंट निकालता है, तो वहां पे एक अलग ही कला काम आती है। जैसे आपकी नॉलेज होगी उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है। यानी जिसकी जितनी कैपेबल, जितनी नॉलेजेबल वो बंदा होगा, उतना वो अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, अक्सर देखा जाता है कि जब भी हम अपने सेल इनवॉइस को प्रिंट देते हैं, तो जो उसका प्रिंट निकलने वाला है वो कितना अट्रैक्टिव है, क्या मेरे इनवॉइस पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि जो भी आप इनवॉइस अपने बायर को देंगे, उसका इम्पैक्ट आपके बायर पे जरूर पड़ेगा। लाइक आपके इनवॉइस पे GST का रेट मेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा, आपके कंपनी का लोगो उस पे मेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा, आपके बैंक का डिटेल आपके इनवॉइस पे प्रॉपर मेंशन है कि नहीं, ई वे बिल मेंशन है कि नहीं, ई वे बिल टू शिप टू, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मेंशन हो रही है नहीं हो रही, आपके इनवॉइस का जो फॉर्मेट है वो कितना अट्रैक्टिव है, एक्चुअल में वो मेंशन है भी या नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि सिंपली 01 02 03 इस तरीके से दिखाया गया है। सारी चीजें एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से अपने इनवॉइस को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑनलाइन सेवा में। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा अट्रैक्टिव वीडियो लाता रहता हूं, तो आज का ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। काफी चीजें आप सीखेंगे, और ऐसा मेरा मानना है कि मेरे हिसाब से अभी तक आप लोगों ने ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं से भी नहीं सीखा होगा जो आज आप सीखने वाले हैं। तो देखिए, एक तो इनवॉइस ये है, इस इनवॉइस को देखकर आप कहेंगे कि सर, वाकई में ये इनवॉइस बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो मैं भी आपको यही चीजें बताऊंगा कि इस तरीके का इनवॉइस आप अपने टैली प्राइम से किस तरीके से निकालेंगे, या टैली ERP9 से किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से आप अपने इनवॉइस को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दूसरा इनवॉइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने सेल्स लेजर में चलता हूँ और यहाँ से एक सेल वाउचर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप कंट्रोल पी प्रेस कर दीजिएगा, अगर आप टैली ERP9 यूज कर रहे हैं तो ऑल्ट पी प्रेस कर दीजिएगा। टैली प्राइम के अंदर ऑल्ट पी कंट्रोल पी दोनों ही प्रिंट के लिए काम आते हैं। इसके बाद अगर मैं इसका प्रीव्यू आप लोगों को दिखाऊं, तो इसका प्रीव्यू आप देखेंगे इस तरीके से, ऑल्ट जेड करके मैं इसे जूम कर लेता हूँ। अब जरा आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वाला इनवॉइस ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है या फिर ये वाला इनवॉइस आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए, जब भी हम अपने सेल इनवॉइस को प्रिंट देते हैं, तो हमेशा हमको इस बात का ध्यान में रखना होता है कि क्या मेरा इनवॉइस अट्रैक्टिव है, दूसरा क्या मेरे इनवॉइस में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन हो रही है जो कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, तीसरा क्या आपके इनवॉइस में आइटम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। लाइक यहाँ पे इस इनवॉइस में अगर आप देखेंगे, तो इसमें देखिए रेट भी मेंशन हो रहा है, इस इनवॉइस में कंपनी के बैंक डिटेल भी मेंशन हो रहे हैं, साथ ही साथ नीचे देखिए प्रिपेयर बाय वेरीफाई ऑथराइज सिग्नेचरी, ये सारी चीजें भी मेंशन हो रही हैं। अगर मैं आपको कंपनी की डिटेल में दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट भी मेंशन हो रहा है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल भी मेंशन हो रहा है, यहाँ पे शिप टू बिल टू, ये सारी चीजें मेंशन हो रही है, और साथ ही साथ ये थोड़ा गुड लुकिंग अट्रैक्टिव भी लग रहा है। लेकिन अगर मैं इस टैली प्राइम में दिखाऊं, जो कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है जब भी आप प्रिंट देंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इनवॉइस देखने को मिलेगा। बीच में देखें यहाँ पे ये खाली स्पेस आ रहा है जो कि थोड़ा भद्दा लग रहा है। तो ये सारी चीजें जब भी आप प्रिंट दें, तो आपको पता हो कि किस तरीके से प्रिंट देते टाइम कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसे हमें अनेबल करना होता है, ताकि जो हमारा इनवॉइस का फॉर्मेट है वो थोड़ा अच्छा लगे देखने में, अट्रैक्टिव लगे, और कुछ इस तरीके से देखने को मिले, क्योंकि इनवॉइस का इम्पैक्ट आपके बायर पे बहुत ज्यादा पड़ता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें किस तरीके से होने वाली है। जब भी आप कमांड दें, एस्केप करके एक बार बाहर आ जाता हूं, जब भी आप कमांड दें अपने प्रिंट को, ऑल्ट पी प्रेस कर दिया, करंट को सेलेक्ट करा हमने और प्रीव्यू पर हमने चेक किया, तो अब यहां पे देखिए मेरा इनवॉइस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मुझे किस तरीके का इनवॉइस चाहिए? इस तरीके का इनवॉइस चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है? तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप ऑल्ट पी या कंट्रोल पी प्रेस करें, आप चले जाए कॉन्फ़िगर पर। यहां पे जाने के बाद सबसे पहले आपको अपने लोगो को सेट करना है।
ठीक है, लोगो आपको सेट करना है और लोगो बना के रखना है आपको अपने कंपनी का। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे ये ऑप्शन देख रहे होंगे, इस ऑप्शन को आपको यस करना है, एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। और यहां पे आपने जो भी आपके ड्राइव में रखा हो, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, वहां से आपको ये लोगो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाएंगे, मैं डेस्कटॉप में मैंने सेट करा हुआ है तो डेस्कटॉप पे ले लेंगे और इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो इसकी चौड़ाई और लंबाई हो वो 96 और 80 पिक्सल हो, तभी ये लोगो आपके टेलीप्राइम में जो आपका इनवॉइस है उस पे ये दिखेगा, मेंशन होगा। यहां पे करने के बाद आप क्या करेंगे, ऑल्ट पी प्रेस करके करंट को सिलेक्ट करके, अगर मैं प्रीव्यू आपको दिखाऊं तो यहां पे देखिए अभी तक वो लोगो मेंशन नहीं हुआ। ठीक है, पहला स्टेप आपको बता दिया कहां पे जाके करना था, यस। इसके बाद यहीं पे ही आपको कॉन्फ़िगर करना है। नीचे आएंगे कंपनी डिटेल के अंदर, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आगे कंपनी डिटेल, और यहां पे इस ऑप्शन को यस जरूर करिएगा। एक सेकेंड, कंपनी डिटेल में चलते हैं। इस ऑप्शन को मैंने एंटर करके यस कर दिया, यहां से यस कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, एंटर एंटर करके सेव कर देना है। कंट्रोल ले करके मैं इसको सेव कर देता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रीव्यू। तो यहां पे देखिए मेरे कंपनी का लोगो यहाँ पे मेंशन हो गया। हालांकि चौहान एंड अकाउंटेंट एसोसिएट की लोगो नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि अगर आपने लोगो बना रखा है तो उसको किस तरीके से आप अपने इनवॉइस पे लेकर आएंगे। लोगो का तरीका आपको पता चल गया, लोगो किस तरीके से हमें अपने इनवॉइस पे रखना है। दूसरा, अगर यहाँ पे आप शिप टू का इंफॉर्मेशन भी लाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लाएंगे, तो सेम आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर में जाना है, पार्टी डिटेल में चले जाएंगे। यहाँ से ये आ गया पार्टी डिटेल, और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सो कंसाइनी डिटेल। इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा, एंटर करके इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा, कंट्रोल लेकर के आप सेव कर लीजिएगा। अब इसको मैं आप प्रीव्यू दिखाता हूँ, ऑल जेड करते हैं। यहाँ पे देखिए बिल टू आ गया और ये आगे शिफ्ट टू, यानी शिफ्ट टू बिल टू की इंफॉर्मेशन भी हमारे सामने मेंशन हो चुकी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे अगर आप यहाँ पे रेट वगैरह भी मेंशन करना चाहते हैं कि किस आइटम पे कौन सा रेट है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप फिर से कॉन्फ़िगर में जाइए, स्टैचुरी डिटेल में आइए, और यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सो जीएसटी रेट। इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा एंटर करके। इसके बाद एक्सेशन डिटेल चाहिए, इसको यस कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिएगा। अब मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ऑल जेड करके हम जूम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जीएसटी रेट भी मेंशन हो गया। अगला, अगर आप यहाँ पे बैंक का डिटेल वगैरह दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन आप कन्फिगर पे आइए और यहाँ पे सबसे नीचे आइएगा कंपनी डिटेल में, और यहां से आपको आपके बैंक डिटेल ऑप्शन सारे यस करने होंगे। यहां पे देखिए सो बैंक डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, एंटर करके इसको यस करिए। इसके बाद आपको जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, स्विफ्ट कोड वहां मेंशन होना चाहिए, अकाउंट होल्डर का नाम मेंशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बैंक का नाम मेंशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारे ऑप्शन यस कर लीजिएगा। कंट्रोल ए करके हम इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, ऑल जेड करके मैं इसे थोड़ा ड्रैग करके नीचे करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे बैंक की डिटेल भी मेंशन हो गई। ठीक है, इतना करने के बाद अब जरा अगर आप इस इनवॉइस के फॉर्मेट की तरह बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप इस पे आ जाइए, स्कैप करके मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे जो ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है स्टैचुरी डिटेल में सो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा। तो इसको मैं एंटर करके यस कर देता हूं, आप देखेंगे ये जीएसटी रेट हाइड हो चुका है, कोई बात नहीं। इसके बाद आप इसे कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिएगा। अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूं इसका, देखिए मेरे सामने इसी तरह ऑल जेड करके मैं दिखा देता हूं, देखिए मेरे सामने सेम इसी तरीके का फॉर्मेट आ गया जिस तरीके का आप ये फॉर्मेट देख रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से इसको पोर्ट से लैंडस्केप में कर सकते हैं। किस तरीके से किया गया है सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिखा दिया, एक एक ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना है। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे आप लोगों के बहुत काम आएगा। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा
ईमेल नंबर वगैरह शो हो रहा है, लेकिन वेबसाइट वगैरह शो नहीं हो रहा, और ना ही तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो रहा है। जबकि मैं अगर अपने इस इनवॉइस में दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें मेंशन हो रही है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? तो इसको करने के लिए अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली आप प्रिंट में चले जाए, यहाँ से आप कॉन्फिगर में चले जाए, और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा शो मोर, इस पे क्लिक कर दे। यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया शो फोन नंबर, एंटर करके इसको यस कर दे, वेबसाइट यस, सिन नंबर यस, कंट्रोल लेकर के आप पीछे सेव करें। आप प्रीव्यू देखिए इसका, ऑल जेड करके मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, वेबसाइट, ये चीज भी इसके ऊपर मेंशन हो गई। अगर आप टैक्स इनवॉइस की जगह नीचे जीएसटी इनवॉइस मेंशन करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा, स्कैप करके मैं फिर से इसे कॉन्फ़िगर पे आ जाता हूँ। सबसे नीचे आ जाएगा आप लोग प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा हेडर इंफॉर्मेशन में आने के बाद, यहाँ पे आपके सामने टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप एंटर करिएगा। सब टाइटल में जाके यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जीएसटी इनवॉइस, यानी जो भी आप हेडर रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे मेंशन करके कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिएगा। अब अगर मैं प्रीव्यू दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे, ऑल जेड करके जूम कर लेता हूँ, जीएसटी इनवॉइस आ गया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है हमारा इनवॉइस नंबर। आप लोग देख रहे होंगे सफिक्स प्रफिक्स में आ रहा है, यानी CAA/002 आ रहा है। ये किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, चलिए सारी चीजें तो मैंने आपको बता दिया कि प्रिंट में, प्रिंट से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं वो किस तरीके से प्रिंट पे लाया जाता है। अब आपको क्या करना है कि गो टू पे आना है, और गो टू पे आने के बाद, क्योंकि जो इनवॉइस नंबर होता है वो हमें हर फाइनेंशियल के स्टार्ट में, यानी 1 अप्रैल को ही ये सफिक्स प्रिफिक्स कर लेना होता है। यहाँ पे आने के बाद हम चले जाएंगे अल्टर मास्टर, और अल्ट्रा मास्टर में जाने के बाद बाउचर टाइप में, और यहां से हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज एडवांस कॉन्फ़िगर, इस ऑप्शन पे आप यस करेंगे, और यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया CAA/00, 00 का मतलब 2 जीरो के बाद मेरा इनवॉइस नंबर स्टार्ट होगा, इस तरीके से देखिए 2 जीरो के बाद 2 लग गया मेरा यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको 1 रखना है, यहाँ से ईयरली सेलेक्ट कर लेंगे, 1 नंबर मेंशन करेंगे, किस डेट से एप्लीकेबल होगा वो सारी चीजें आप मेंशन कर देंगे। हालांकि इस टॉपिक पे मैंने आप लोगों के लिए पहले ही वीडियो बनाया हुआ है कि जो इनवॉइस नंबर की जो फॉर्मेटिंग होती है वो किस तरीके से टैली प्राइम या टैली RP9 के अंदर मेंशन या क्रिएट किया जाता है। तो ये जब सारी चीज आप कर लेंगे, और जब आप अपने इनवॉइस को, सेल इनवॉइस को कमांड देंगे एज ए प्रिंट, आपके सामने दोस्तों इसी तरीके से जो इसकी लुकिंग होगी वो इतनी अच्छी होगी जैसे आप देख सकते हैं इस टाइम अपने स्क्रीन पे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग जब भी अपने सेल इनवॉइस को कमांड दें, एक बार करना होता है, बार बार करने की जरूरत नहीं है कि हर बार मुझे इन ऑप्शनों को यस करना होगा, एक बार आप सेट कर लें, इसके बाद जब भी आप कमांड देंगे अपने इनवॉइस को, तो इसी तरीके से आपके सामने आपका सेल इनवॉइस प्रिंट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और अगर आप भी इसी तरीके का और अट्रैक्टिव और नॉलेजेबल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एक बनना चाहते हैं बेहतर अकाउंटेंट, तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रेनिंग अवेलेबल करवा दी गई है, तो आप इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करके, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, चाहे आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो या जीएसटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो यहाँ पे आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल वाइज आपको ट्रेनिंग दिया गया है इस कोर्स में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कर जाइए, और यहाँ से कोर्स को ज्वाइन करके अपने नॉलेज को और इंक्रीज करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।